क्योंकि लगी तो नहीं? ये कैसे लगी आपको? ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। पक्का किसी से फाइट नहीं हुई? आज आप स्क्वाश खेलने नहीं आए तो मुझसे मिलने आए? बैटमैन से मिले बिना रॉबिन का दिन पूरा कैसे हो सकता है? बट रॉबिन, ये छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं लग रहा। आपकी दोस्त को पता है इसके बारे में? पहली बैंडेज उन्होंने ही की थी। वाओ, इसका मतलब समझे हो आप? क्या? उन्हें आपकी चिंता होती है। She likes you. नहीं, please ये मत बोलो, please no. अरे सच में? No, please don't say this. ये सब kindness की वजह से किया है, चिंता की वजह से नहीं। मतलब? मतलब ये कि मैं उनके लिए स्पेशल नहीं हूँ। मेरी जगह कोई और होता तब भी वो ऐसी करती। किसने कहा आप स्पेशल नहीं हो? आप स्पेशल हो पर उन्हें नहीं लगता। काश मैं उन्हें ये बता पाता। जिस तरह मैं आपके लिए स्पेशल हूँ ना, हूँ कि नहीं जिस तरह मैं आपके लिए स्पेशल हूँ ना, तो वैसे ही उनकी तरह शायद एक ना एक दिन स्पेशल बन जाऊंगा। अब ट्रिक सही कैसे करते हैं बताओ आपको। लेट्स गो। इसे देखिए, प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, सिर्फ दो कंपनीज के साथ काम किया है पर काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। आई थिंक हमें शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। भाई हायरिंग करते हुए ना, कसम से बोल रहा हूँ, रियलिटी चेक मिल जाता है। अब इसे देख, क्या उम्र है इसकी? इतनी छोटी उम्र में इतने एक्सपीरियंसेस ले चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा चुका है। Yeah, it's tough out there. It's tough out. ये भी काफी अच्छी है। ओह, एनवायरमेंटल डिजाइन एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर में स्पेशलाइज किया है। आई फील ये हमारे लोनावला प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छी एडिशन हो सकती है। देखा? अक्षी गुप्ता। कथा, आपने अपने टीम के लिए किसी को शॉर्टलिस्ट किया? अभी नहीं, इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, इन सीवीज को देखकर आई एम श्योर हम कुछ लोग को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, उन शॉर्टलिस्टेड लोगों में से इंटरव्यू में कुछ लोग को हायर भी कर लेंगे। पर क्या ये काफ़ी होगा? आई मीन इंटरव्यू में हमें उनके स्किल सेट और करियर प्लान्स का पता चल जाएगा, लेकिन ये भी तो जानना ज़रूरी है ना कि उन्हें लाइफ में क्या इंस्पायर करता है, वो अपनी लाइफ के साथ करना क्या चाहते हैं। देखिए, काम तो हम उन्हें सिखा देंगे लेकिन वर्क एथिक्स वो सिखाना मुश्किल है। Bro, I think she has a point. अर्थकॉन इंडिया की बेस्ट आर्किटेक्चर फर्म है, कोई भी चाहेगा इसका हिस्सा बनना, पर क्या किसी एप्लीकेंट के लिए हमें ज्वाइन करने का बस एक यही रीजन काफी है? हमारे लिए अर्थकॉन का स्पेस एक्सटेंडेड फैमिली जैसा है। सो किसी का इमोशनल थॉट प्रोसेस जाने, हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई कैंडिडेट हमारे फैमिली का हिस्सा बनना डिजर्व भी करता है या नहीं? सी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शमिता वाले इंसिडेंट के बाद आई थिंक हायरिंग को लेके हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। आई हैव अ सजेशन, हम शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स को एक प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के लिए बुलाते हैं। ये सब अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं पर हमारा ये जानना जरूरी है कि क्या ये अच्छे टीम प्लेयर्स हैं या नहीं। आईक्यू तो इनका बढ़िया है बट ईक्यू यानी इमोशनल क्वोशेंट उसको टेस्ट करते हैं, तब हमें पता चलेगा कि कौन अर्थकॉन के साथ पूरी डेडिकेशन के साथ काम करेगा और लंबे समय तक इस कंपनी के साथ रहेगा। कथा, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है पर क्या हम इतने बिजी शेड्यूल के बीच में इतना टाइम निकाल पाएंगे? क्योंकि इस टेस्ट को डिजाइन करने, कंडक्ट करने और असेस करने में भी काफी टाइम चाहिए। एक्चुअली जीतू भाई, आई फील अर्थकॉन के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए अगर हमें हायरिंग में थोड़ा ज्यादा वर्क स्पेंड करना पड़ता है तो इट्स एब्सोल्युटली राइट, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। अर्थकॉन एक फैमिली है और इस फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है इसके लोग, तो आई साइड विद कथा। एग्री विद यू सर। ठीक है फिर, कथा एक काम करो, तुम खुद क्यों नहीं डिजाइन करती ये टेस्ट और उसके बाद हम बैठ के डिस्कस कर लेंगे।
मेरे पास भी एक दो इमोशनल सवाल है, लेकिन वो मैं कैंडिडेट से खुद पूछूंगा। ठीक है गाइस, लंच के बाद मिलते हैं, मेरी मीटिंग है राजस्थान प्रोजेक्ट के लिए। एक तो चले। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स बड़ी। एसएन राजस्थान प्रोजेक्ट की मीटिंग में गया आज। बहुत जल्दी प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मैं चाहता हूँ आप अभी से इस पे काम स्टार्ट कर दीजिए। या कुछ सिमिलर प्रोजेक्ट्स की केस स्टडीज है मेरे पास, ईमेल कर दूंगा। ओके, समय चेक कर लूंगी। कूल। सर आपका खाना आ गया, केबिन में लगा दूं? नहीं, कहीं लगा देना। यहाँ सर? जी, अलाउड नहीं हूं मैं। अरे वाह, आप वेरी प्रिटी, काफी अच्छे हैं। सही सुनीता, मेरे को एक ब्लैक कॉफी पिलवाओ ना। जी भैया। रीत, पापा अम्मा कह रहे थे कि कल बस सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स को ही बुलाए, बाकी सबके पास ये गिफ्ट हैम्पर्स भिजवाने वाले। तो तू एक बार चेक कर लियो कि इसमें कुछ एक आधा आइटम ऐड करनी हो तो, है ना? ठीक है। पापा ने बोला था दोनों ग्रेवाल्स को सबसे मिलवाएंगे, तो भाई वेलकम गिफ्ट भी तो मेमोरेबल होना चाहिए, है ना? दोनों नए ग्रेवाल, समझी नहीं मैं। हाँ, वो पापा कह रहे थे कि योहान के साथ साथ ना आरव को भी क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स सबके साथ इंट्रोड्यूस कल करवाएंगे। क्या हुआ युवराज जी, क्या हो रहा है? युहान की वेलकम सेरेमनी में आरव को क्यों घुसाया जा रहा है? ओ, दोनों भाई साथ साथ होंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही तो है, अरे युहान का कोई भी स्पेशल मोमेंट हो उसमें आरव को घुसा देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि युहान का अगर हम कुछ भी अलग करने जाते हैं ना, तो आरव का कुछ छूट जाएगा और उसके पीछे पीछे अटेंशन लेने आ जाती है हमारी कथा। अरे भाई, तुझे कथा से दिक्कत क्या है? अब तो जितनी भी गलत फहमी थी पापा की, मेरी, हम सबकी गलत फहमी सब कुछ दूर हो गई है ना, तू फिर भी उसके खिलाफ ही, मतलब। हाँ हाँ, तुम तो कथा की साइड लोगे ही, क्योंकि तुम्हारे अफेयर का भांडा नहीं फोड़ा ना पापा जी के सामने। रीत, देख यार, हमने प्रॉमिस किया था ना कि अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे की बातें समझेंगे। सॉरी युवराज, पता नहीं ये बातें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। अरे तो मुझे बताना क्यों परेशान है? क्यों का ही जवाब नहीं है मेरे पास युवराज। अरे कभी कभी आना जाना आरव का ठीक था, पर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे इस घर का हिस्सा बनाया जा रहा है। आरव और कथा दोनों इस घर का हिस्सा है रीत, और कथा के साथ जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सब हम दोनों की शादी से पहले की बात है यार, तू तो उसमें इन्वॉल्व भी नहीं थी। एमी, तुम्हें अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही युवराज, जब युहान बड़ा होगा ना तब मेरी बात समझ में आएगी। तो तुझे इस बात से दिक्कत है कि आरव के साथ कथा इस घर में आ जाएगी? यार देख, ऊपर वाले ने इस घर को बहुत कुछ दिया यार, पर ये सब हमारे लिए बहुत है, हम सबके लिए। हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस घर में आदि भाई का भी बराबर का हिस्सा है, जिस पर आरव और कथा दोनों का पूरा हक है। गिफ्ट देख लियो। लुक एट दिस। ओके, दैट्स गुड, बट आई थिंक हम लोग को कुछ, गाइस मैं निकल रहा हूँ, मेरा लाइक कुछ काम। नहीं, आप जाइए, वर्क इज ऑन ट्रैक। ओके, विवान तू कब तक फ्री होगा? कथा, अभी एक घंटा तो लगेगा। एक घंटा? ओके देन, मन लगा के काम करो मेरे उनहार बच्चों। ये देखिए, ये किए चेंजेस। या दैट्स बेटर। ये भी बदल देती हूँ यहाँ से। मेक इट लाइक दिस। बट ये इससे पहले आना चाहिए ना? ये वाला ना? जी। विवान कथा दोनों देर तक काम कर रहे हैं,
तो व्यान कथा को छोड़ने भी जाए। नहीं यार, वो खुद तो कुछ भी नहीं करता, और यार किस्मत भी अपना काम ना ढंग से नहीं कर रही। तो दोस्त को कुछ तो करना पड़ेगा ना। एक दिन ना भाई दुआओं में याद रखेगा मुझे। थोड़ा और टफ बनाए क्या? ओके। लाइट कैसे चली? मैं पूछ के आता हूँ, जस्ट वन सेकंड। रमेश, लाइट को क्या हुआ? सर अभी बिल्डिंग के इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, पता लगते ही आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, अगर टाइम लगेगा बता देना। जी सर। कथा। Yes. थोड़ा ही काम बाकी है, आप घर जाके मुझे मेल कर दीजिए, मैं चेक कर लूंगा। लाइट का पता नहीं कितना टाइम लेने वाली है। दो मिनट वेट करते हैं ना, लाइट आ जाएगी शायद। घर जाके करूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं, आई कैन फिनिश इट, इट्स ऑल राइट। सुबह साथ में चेक कर लेंगे, फिर फाइनल कर देंगे। अभी फ्लो बना हुआ है, खत्म कर लेते हैं, फिर कल सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी। और है ना ये सब लाइट। ये देखिए, ये डिजाइन टेस्ट एक बार देख लीजिए, और ये जो चेंजेस है ना ये। श्योर दिखाइए। मुझे लगता है इसमें एक डिजाइन कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देते हैं, और एक कॉमन सेंस ट्रिक भी बढ़ा देते हैं। समथिंग लाइक दिस। डोंट यू थिंक अगर एक और टेस्ट ऐड करेंगे तो न्यूकमर्स के लिए टफ हो जाएगा? टेस्ट मुश्किल या आसान नहीं होता, आर्किटेक्ट्स अच्छे और बुरे होते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.